अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में कि कौन सी एजेंसी किस नंबर पर आती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नंबर 10 मुसाद। 1949 में कायम होने वाली मुसाद इसराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है। मुसाद के 8 फाल बाजू हैं जिनमें से हर एक मखसूस जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसराइल में अमन अमान कायम रखने के साथ साथ इसे बाहर से आने वाले किसी भी हमले से बचाने के लिए काम करती है। इसके मुलाजमीन की तादाद 7,000 और इसका बजट 2 अरब 73 करोड़ है। नंबर 9 MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चीन की एक अहम इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे मुल्क की आवाम की हिफाजत और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ अपनी सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुलाई 1983 में कायम होने वाली इस खुफिया एजेंसी का सालाना बजट 8 अरब डॉलर है। नंबर 8 रॉ। इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। इसका क्याम 1968 में अमल में आया और इसका काम गैर मुल्की हुकूमतों और अफराद के बारे में मालूमात रखना और खारजा पॉलिसी साजों को तजियात और मालूमात फराम करना है। रॉ का बजट और मुलाजमीन की तादाद खुफिया रखी गई है। एक अंदाजे के मुताबिक इसके एजेंट्स की तादाद 10,000 और इसका सालाना बजट 1 अरब 45 करोड़ है। नंबर 7 ASIS। इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया की ASIS इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका क्याम 13 मई 1952 को अमल में आया। इसका हेड क्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनरा में है। इसका सालाना बजट 2 अरब 50 करोड़ डॉलर है। इस एजेंसी का क्याम अपनी ही हुकूमत के लिए 20 साल तक एक राज था। नंबर 6 DGSE। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE। इसका क्याम 2 अप्रैल 1982 को अमल में आया। DGSE एजेंसी फ्रांस के वजीर खारजा के मातात काम करती है। इसका सालाना बजट सिर्फ 73 करोड़ डॉलर है। नंबर 5 BND। इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर है फ्रांस की BND इंटेलिजेंस एजेंसी जो 1 अप्रैल 1956 को कायम हुई। इसका सालाना बजट 97 करोड़ यूरो है। नंबर 4 FSB। इस फहरिस्त में 4थे नंबर पर है रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB। सोवियत यूनियन के खात्मे पर वजूद में आने वाली FSB का बाकायदा क्याम 3 अप्रैल 1995 को अमल में आया। FSB के अहलकारों की तादाद, उनके नाम और उनका बजट खुफिया रखा गया है। नंबर 3 MI6। टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसियों में 3रे नंबर पर है SIS जिसे आमतौर पर हम MI6 के नाम से जानते हैं। इसका क्याम 1909 में खुफिया सर्विस ब्यूरो के एक विंग के तौर पर अमल में आया था। 2.6 अरब पाउंड सालाना बजट और 2,600 मुलाजमीन रखने वाली इस एजेंसी को बाअसर एजेंसियों में शुमार किया जाता है। नंबर 2 CIA। दोस्तों, इस फहरिस्त के 2रे नंबर पर है अमेरिका की एजेंसी CIA। 18 सितंबर 1997 को बनने वाला ये एक सिविलियन इंटेलिजेंस अदारा है। CIA का सालाना बजट 15 अरब डॉलर है जबकि इसके मुलाजमीन की तादाद 21,575 है। नंबर 1 ISI। दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1 पर है। इसका क्याम 1948 में अमल में आया और आलमी पस मंज़र में सोवियत यूनियन अफगान वार और अमेरिका अफगानिस्तान जंग की बदौलत ISI की अहमियत और बढ़ गई है। यहाँ ये बात काबिले ज़िक्र है कि दुनिया की 10 बड़ी एजेंसियों में से सबसे कम अखराजात के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI है। तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह नेगेबान।